राजकोट में आदिवासी पछात विकास महिला मंडल अने सर्वरी सेतु फाउंडेशन भावनगर द्वारा आदिवासी परंपरागत वेद भगत द्वारा कैंसर एड्स किडनी जेवा गंभीर रोगों सारवार रूप विविध अलभ्य जंगली औषधिओ लोगों समक्ष मुकाई छे। जेमा मंगलभाई दुबे द्वारा 3.5 फूटनी जंगली आंबली रजू कराई छे, जे शरीर में थती गांठ फोलियो उपर रामबाण इलाज समान होवानुं कहेवाय छे। साथे साथे गोठणना दर्दों में पण कारगत निवडती होवानुं वेद मंगलभाईनुं कहेवुं छे। राजकोट खाते 100 प्रथमवार योजायेला जंगली औषधिना प्रदर्शन ने निहाळी शहरीजनों होशे होशे दुर्लभ औषधि विषे माहितगार थई रह्या छे। रेसकोर्स खाते आयोजित औषधि प्रदर्शन में डांग आहवा अने वलसाड जिल्लाना 450 जेटला आदिवासी वेद भगतो द्वारा 120 जेटला स्टोलों में पेरालिसिस डायबिटीस वदत्व चामडीना रोगों घूटण कमर किडनीना रोगों मटाड़वामां आवती औषधिओ लोगों समक्ष रजू कराई छे। तो सौ शहरीजनोए समय मळीए जरूर मुलाकात लई जवू जाणवू पण जरूरी बनी जाय छे। मेरा नाम है मंगल भाई दक्कल भाई दुम है। एक आम लेके आओ, कितनी फुट की आम है? राजकोट में फर्स्ट बार आए हो? ये 3 फुट की है, 3.5 फुट भी आती है और 2.5 फुट का भी आता है, 2 फुट का है, लेकिन ये जंगली आमली इसको बोलता है और हिंदी में बोला जाएगा तो उसको कायरी भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया दवा है ये। इसका फायदा क्या है? फायदा ये, इसको कोई भी शरीर के अंदर कोई फोड़ा निकला है, फोड़ा निकलता है फिर गांठ बन जाती है, उसके गांठ के लिए बहुत अच्छा, फिर घुटन के लिए लेप लगा सकता है घीस के, उसमें भी आपको 2-3 दिन के अंदर राहत आ जाएगा। अब कैसे इसको आप तोड़ के लाते हो? तोड़ के झाड़ के ऊपर से वो चढ़ना पड़ता है, चढ़ के फिर धीरे धीरे ये सींग उतारना पड़ता है, नीचे डालेगा तो टूट जाती है, बड़ा बड़ा पेड़ के ऊपर ये वेल चढ़ जाती है, उसमें से अभी देखने का परिपाक हो गया, उसके बाद ये उतारना पड़ता है। आप जहाँ जहाँ कैंप लगा तो रिस्पांस कैसा मिलता आपको? हाँ, बहुत बढ़िया मिला। सूरत में लेके गया था, फिर अहमदाबाद में गया था, 2-3 गया साल में और प्रोग्राम आने वाला था, लेकिन लॉकडाउन हुआ उसके वजह से हम लोग आ नहीं पाया।